नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आपने भी ये सुना होगा कि अक्सर लोग नौकरी एक शहर से दूसरे शहर में करने जाने के लिए काफी सोच विचार करते हैं। ऐसे में उनकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर काफी समस्या सामने आती है। ऐसे में आज हम आपको इस नंबर प्लेट के फायदे के बारे में बताने वाले हैं। ऐसे में दो पहिया और चार पहिया वाहन स्वामियों के लिए आज की हमारी वीडियो बेहद ही खास होने वाली है। खासकर उन लोगों के लिए ये खबर खास होने वाली है जिन्हें समय समय पर काम के सिलसिले में बार बार तबादले की प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। इसको लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों के लिए भारत सीरीज की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत अब वाहन स्वामी अपने नए वाहन का BH सीरीज में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हालांकि सरकार की ये कोशिश बस लोगों की सहूलियत को आसान करना ही नहीं है, बल्कि इस सीरीज के कई फायदे भी आम नागरिकों को मिलने वाले हैं। जैसे कि इस सीरीज का सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि नौकरी के सिलसिले में किसी दूसरे राज्य में जाने पर इस नंबर के वाहन स्वामियों को नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। साथ ही इस व्यवस्था के तहत BH सीरीज वाले वाहन पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से दूसरे राज्य में आसानी से अपना वाहन चला सकेंगे। अब तक के नियम के अनुसार अगर आप नौकरी या किसी भी कारण से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते थे तो आपका गाड़ी दूसरे राज्य में मान नहीं होता था, लेकिन अब दूसरे राज्य जाने पर दोबारा रजिस्ट्रेशन के झंझट से आपको छुटकारा मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि BH सीरीज नंबर प्लेट काले और सफेद रंग की होगी। इसमें सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग से नंबर अंकित होगा। नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन की शुरुआत अंग्रेजी के BH अक्षरों से होगी। इसके साथ ही निजी वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय वाहन स्वामी को 15 साल का रोड टैक्स देना पड़ता है। इसके बावजूद अगर तबादले पर वो किसी दूसरे राज्य की तरफ कूच करते हैं तो वहां उन्हें फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होता है। BH सीरीज के नंबर से इस तरह के तमाम झंझट से आपको मुक्ति मिल जाएगी। वर्तमान समय की बात करें तो अलग अलग राज्यों में रोड टैक्स अलग है। वाहनों के रजिस्ट्रेशन की नई व्यवस्था से किसी दूसरे राज्य में जाने पर फिर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही RTO ऑफिस के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जाएगी। अब BH सीरीज के नंबर वाले वाहन किसी भी राज्य में बगैर झंझट चला सकेंगे। जानकारों की माने तो भारत व्हीकल श्रृंखला के नंबरों से केंद्र सरकार के कर्मचारियों, सेना, अर्धसैनिक सुरक्षा बलों से जुड़े लोगों और उन दूसरे लोगों को फायदा होगा जो नौकरी और काम के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य में रहते हैं। ये सभी लोग BH नंबर से ही अपने वाहन को नए राज्य में चलाने का काम कर सकेंगे। BH सीरीज के तहत मोटर व्हीकल टैक्स 2 साल या 4, 6, 8 साल के हिसाब से लगाया जाएगा। यह योजना नए राज्य में स्थानांतरित होने वाले निजी वाहनों की मुफ्त आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगी। 14वें वर्ष के बाद मोटर व्हीकल टैक्स वार्षिक रूप से लगाया जाएगा, जो उस वाहन के लिए पहले वसूल की गई राशि का आधा होगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।